मुंबई का तेरे बाप की है? अरे तेरे बाप की है, लेकिन तेरा बाप माया हो। मेरा बाप तो कब का मर गया। तो यार क्या हालचाल है? उम्मीद करता हूँ आपका हालचाल अच्छा होगा। तो फाइनली इतना वेट करने के बाद केजीएफ चैप्टर 2 का अपने को ट्रेलर देखने को मिला, और ट्रेलर चालू होते ही हमें ये सुनने को मिलता है कि गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ था। आप पढ़ोगे अबे भाई, 2 घंटे के लिए हम 2 साल वेट कर रहे हैं तो सुनेंगे ही ना। और आपको डाउट हुआ होगा कि इसने थंबनेल पे लिखा है कि नहीं देखनी है मूवी, ऐसा हो ही नहीं सकता। कितने लोग इसका वेट कर रहे हैं, और मूवी की हाइप देखो, तोड़ देगी ये रिकॉर्ड। इतनी इपिक लेवल मूवी अपन को देखने को मिल रही है, और एक्शन पूछो ही मत यार, पावरफुल मूवी होने वाली। और ये कहां तक जाएगी इसका तो कोई जवाब नहीं, मेरा तो वेट ही नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि शाम को ट्रेलर देखा और मूवी सुबह ही देखना है। हाँ ये अलग बात है कि मैं सुबह इसका रिव्यू डाल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीजन है, समझ जाओ। वो 14 तारीख तक मूवी का वेट करना पड़ रहा है, वेट ही नहीं हो रहा है। और हाँ, इससे मुझे एक ट्रेलर का सीन याद आ गया, लास्ट का है, जब वो उसके माँ से कहता है कि एक दिन दुनिया का पूरा सोना तुम्हारे हाथ में लाके दूंगा। तो उसकी माँ उसे कहती है कि तू अभी सो जा, सुबह लेके आना। हमारे लिए वो सुबह है 14 तारीख, यही सोना है हमारा। और केजीएफ चैप्टर 1 को आग लगने के बाद केजीएफ चैप्टर 2 तो पूरी आग लगा देगा, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाएगा। इतना क्रेजी है इस मूवी का। और देखो ट्रेलर में अभी अभी अपन ने जो डायलॉग सुने इतने अच्छी तरह से लिखे हैं ना, जिससे सुनने के बाद तो गुजबम्प आएगा नहीं, आ गया। और हाँ ट्रेलर में रविंद्र टंडन ये कहते हैं कि मेरे पास भी हथियार है तो घर में घुस के मारेंगे, और ट्रेलर का ये सीन है। और अब ध्यान से देखना इस फोटो को, वो वही एरिया है जहाँ ये मोहतरमा बोल रहे थे कि घर में घुस के मारेंगे, तो रॉकी भाई खुद तुम्हारे घर में घुस के तुम्हें मार रहा है। यानी कि रॉकी भाई गवर्नमेंट एरिया में जाके सबकी बजाएगा, बवाल होने वाला है भाई। और ट्रेलर में रॉकी भाई की एंट्री 1 मिनट 20 सेकंड के बाद आती है, तो ऐसा लग रहा है कि 2 साल कैसे झेल लिया हमने, क्योंकि इस मूवी के लिए मैं काफी एक्साइटेड था। और वायलेंस वायलेंस वायलेंस, आई डोंट लाइक इट। आगे क्या था अपने से नहीं जमेगा, ट्रेलर में जाके देखो। और स्पेशली डायलॉग्स ने ना अलग ही गुजबम दे दिए। ये अलग कौन से गुजबम होते हैं पता नहीं। और भाई संजय दत्त का लुक, और वो ट्रेलर में एक डायलॉग भी कहते कि तलवार चलाकर खून बहाकर जंग लड़ना, ये कोई तबाही नहीं होती, तरक्की होती। लेकिन आपको देख के तरक्की भी हो रही और तबाही भी। तो बाकी ट्रेलर की बात करें तो विजुअल इफेक्ट्स काफी अच्छे, और बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो केजीएफ से इसकी हाइप है। और हाँ ट्रेलर चालू होते ही कहीं ना कहीं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ था, जैसे कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। और अभी मैंने जो 2 लाइन बोली ना, तो यही तो इनका खेल है कि लोगों को अपनी तरफ कैसे खींचना है। और ये दोनों लाइन ही लोगों को अपनी तरफ बुलाती है मगर अबे जाने का ही है। बाकी आपको ट्रेलर कैसे लगा कमेंट करके मुझे जरूर बता देना, और रॉकी की एंट्री होती है तो आपको कैसा फील हुआ वो भी कमेंट करके मुझे बता देना। और हाँ जब रॉकी की एंट्री होती है तो 2 लाइन कोई बोलता है, पता नहीं कौन बोलता है, लेकिन वो लाइन जो बोलता है, ही इज द बिगेस्ट क्रिमिनल और ही इज द बिगेस्ट बिजनेसमैन। वैसे अपन तो क्रिमिनल नहीं है, लेकिन बिजनेस बढ़ाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और बिजनेस करना है ऑफर क्लोज कमिंग सून, अपने में ऐसा कुछ नहीं है, सब्सक्राइब कर दो। तो बाकी बात, इस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और आप इस मूवी के लिए कितने एक्साइटेड हो पता है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।